टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड ओवर ऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ वन इनफेक्ट विद द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी इन दीकल्चरल सेक्टर आप कह सकते हो देर इज इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथी अगर आपकी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट विल मेक अ कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स द एग्रीकल्चरल ग्रोथ और जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करेगा तो इट विल मेक अंट्रीब्यूशन टू वर्ड द ग्रोथ ऑफ द इकोनोमी अब अभी बिल्कुल अगर मैं लेमेन वाले फॉर्म में डिस्कशन करूं लुकिंग एट दील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट दी प्रोडक्टिविटी इन दीकल्चरल सेक्टर अब इस डायाग्राम में हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे फिजिकल ईयर ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम जील्ड ले रहे हैं और जील्ड हम रिपोर्ट कर रहे हैं इन के जी पर हेक्टर्स और डूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज इंक्रीज इन वीट ओवर टाइम लेकिन इंक्रीज इन व्हीट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इज इज लेस देन डबल देबल इन ईयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी इन ईयर नाइनटीन नाइनटी नाइनटी वन जो मेरे पास वीट जेल्ड थे इट इज अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी वन के जी पर हेक्टेयर लेकिन जब आप ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू की बात करते हो तो ये यील्ड मेरे पास हो गई टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर हाँ जी एक इंक्रीज तो है बट इंक्रीज इज लेस देन डबल अब अगर हम इसी यील्ड को डिस्कस करें विद रेफरेंस टू विद्रीज राइस यील्ड ओवर द टाइम पीरियड फ्रॉम टू तो यहाँ पे भी क्या हुआ ओवर टाइम देर इज इंक्रीज इन राइस यील्ड देयर इज इंक्रीज इन राइस येल्ड पर हेक्टेयर्स के जी फिफ्टीन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री के जी पर हैक्टेयर थी इन याइनटी नाइनटीन नाइनटी वन के टाइम पीरियड में लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के टाइम पीरियड में येल्ड मेरे पास होगी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव के जी पर हैक्टेयर्स हाँ जी पर हैक्टेयर आपके पास यील्ड तो इंक्रीज हुई बट अगेन डूरिंग दिस टाइम पीरियड इंक्रीज इन जेल्ड इज लेस देन डबल फिर इसी पैटर्न पर जब हम शुगर केन की बात करते हैं तो अगेन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वी कैन ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन जेल्ट ऑफ शुगर केन ओवर द पीरियड ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ एनालिसिस फिर अगर हम बात करें मेज जेल्ड की तो अगेन क्या है देयर इज इंक्रीज इन जेल्ट डूरिंग नाइनटीन नाइनटी 2022 लेकिन यहां पे इंक्रीज इन यील्ड क्या है इट इज मोर देन टू टाइम्स आप यूं कह सकते हो कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यील्ड इज इंक्रीज़ बाय टू टाइम्स केजी 1400 0 401 केजी पर हेक्टेयर थी इन 1991 में जो कि होगी आपके पास 5764 केजी पर हेक्टेयर इन ईयर 2021 22 फिर इसी पैटर्न पे अगर हम कॉटन ज़ील्ड की बात करें तो अब मैं यहाँ वी कैन ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन कॉटन ज़ील्ड ड्यूरिंग 1992-2021 ट्वेंटी टू देखिए अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के रेफरेंस में बात करूं तो वहां पर आप कह लें बड़ी आप माइनर से इंक्रीज है कि सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव के जी पर हेक्टेयर के टाइम पीरियड में जेल्ड थी जो कि मेरे पास 20, 21, 22 में होगी अराउंड 731 केजी पर हेक्टेयर्स। के विद हमने एक चीज तो ऑब्जर्व की देर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप पर हेक्टेयर फिर इसी पैटर्न पे अगर हम लाइफ स्टॉक के रेफरेंस में बात करें तो यहां पे जो आपकी वी कैन ऑब्जर्व अ गैप बिटवीन मिल्क प्रोडक्शन एंड कंजम्शन अगेन क्या है ओवर टाइम देर इज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन और यह भी मुझे क्या इंक्रीज कर रहा है आरोप डेटा रिपोर्ट हो रहा है दैट इज अबाउट मिल्क प्रोडक्शन दिस इज नॉट द प्रोडक्टिविटी लेकिन इट माइट भी पॉसिबल दिस इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इज अगेन बिकॉज ऑफ improvement in the productivity of द animal, animals that are producing milk. जब हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट की बात करते हैं दैट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबाइंड सेट्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड मटेरियल रिसोर्सेज कि जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट इफ देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट तो अब अगर यहां पे जब हम यहां पे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो इफ देर इज इंक्रीज इन आउटपुट मोर देन द इंक्रीज इन इनपुट तो हम कह सकते हैं देर इज इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी जब आप पाकिस्तान में आप कह लें जो मोस्टली इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है ज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इनपुट रेदर दैन टेक्निकल चेंज जब आप टेक्निकल चेंज की बात करते हो दैट इज दिन टू कैरी आउटक्शन जब आप टोटल आउटपुट की बात करोगे लेकिन जब आप पाकिस्तान में टोटल आउटपुट के रेफरेंस में बात करो और यहां पर टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो एट अ फास्टर रेट देन दोटल इनपुट तो हम कह सकते हैं टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग फिर इसी पैटर्न पे

दिस एग्रीगेटेड एनालिसिस फेल टू कैप्चर द रीजनल प्रोडक्टिविटी डिफरेंटिविटी है वो डिफर करे अक्रॉस प्रोविंस इट माइट भी पॉसिबलिटी है क्रॉप की वो डिफर करे अक्रॉस डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन जोन जब आप एग्रीगेटेड डेवलप एनालिसिस करोगे वी विल नॉट बीन पोजिशन टू कैप्चर दिस वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट अक्रॉस हाँ जी एक बिल्कुल आप कहें सिंपलेस्ट अप्रोच क्या करते है दिस इज दिम्पलेस्ट मैथड टू मैयर द प्रोडक्टिविटी क्या आप सिंपली अरिथमेटिक इंडेक्स कंप्यूट करते हो और यहाँ पे आप रेशो फाइंड आउट कर लेते हो ऑफ टोटल आउटपुट इंडेक्स टू टोटल इनपुट इंडेक्स और यहाँ पे जो आप तो आउटपुट इंडेक्स को इनपुट इंडेक्स पे डिवाइड करोगे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फिर यहां पे आप कह लो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैन यूज द फ्रंटियर प्रोडक्शन फंक्शन आर डाटा इनवेलमेंट एनालिसिस के दीज आर द अप्रोचेज दैट कैन बी यूज टू द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि अगर मैं आप कह लें कि फार्मर लेवल पे एनालिसिस करूं तो ये मुझे बता सकता है कि अमंग फार्मर्स विच फार्मर्स आर मेकिंग प्रोडक्शन एफिशिएंटली। अगर हम एग्रीगेटेड लेवल पे एनालिसिस करें कि जी हम डेटा कलेक्ट कर लें फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, तो वो मुझे बता सकता है कि अक्रॉस नेशंस विच नेशन इज मेकिंग प्रोडक्शन एफिशेंटली हम रीजनल लेवल पे भी यूज को कह जी अक्रॉस डिस्ट्रिक वी कलेक्ट डेटा अबाउट एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इनपुट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हम ये बात रिपोर्ट कर सकेंगे कि विच डिस्ट्रिक्ट इज मेकिंग प्रोडक्शन एफिशेंटली या यू कह लें कि अमंग डिस्ट्रिक्ट विच डिस्ट्रिक्ट इज प्रोड्यूसिंग इज हैविंग हायर प्रोडक्टिविटी